लाडू दे। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध, यथास्थान बैठने का कष्ट करें। सभी कार्यकर्ता यथास्थान बैठने का कष्ट करें। सभी कार्यकर्ता देखिए, डूडी साहब हम सबको संबोधित करेंगे, सभी यथास्थान बैठने का कष्ट करें, ताकि हम ये जो स्वागत का कार्यक्रम है इसको व्यवस्थित तरीके से संचालित कर सकें। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध, यथास्थान बैठने का कष्ट करें। सभी कार्यकर्ताओं से मेरा विनम्र अनुरोध, यथास्थान बैठने का कष्ट करें। राजस्थान की गहलोत सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त करने पर पहली बार आप डूंगरगढ़ पधारे हैं, आपका स्वागत सम्मान कार्यकर्ता हैं। मैं आदरणीय केशव राम जी गोदारा से निवेदन करूं कि वो स्वागत करें। वर्तमान प्रधान प्रतिनिधि आपका माला और साफा पहना कर स्वागत कर रहे हैं। मैं सीताराम जी और प्रभु जी से निवेदन करूं कि वो क्रम से है एक बार सारा यहाँ कार्यकर्ता मेरा निवेदन है, एक बार शांति में बैठे सारा। आपने बीच में अपना लोकप्रिय राजस्थान केसरी, किसान केसरी,
रामदेव सिद्धि टूटी है इसका पता है और बहुत बड़ी सौगात बीकानेर जिले ने माननीय अशोक जी गहलोत दी है और उन्होंने बहुत बड़े पदों नवाजा है, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री का अध्यक्ष बनाया है और किसान को इंडस्ट्री को देखो बनाए हुए आयोग इनमें किसान के हित की बात किसान को किया विकास उसके और बीहे लिए सरकार आते क्योंकि किसानों में जैसी कौन है किसान की बात सोचने वाला और समझने वाला आदमी कौन है इसलिए रामेश्वर जी टूटी बनाया इसलिए पूरी सरकार को सोनिया जी को राहुल जी को गोविंद सिंह जी डोटासरा जी को गहलोत साहब को सारा मुझे बहुत बहुत धन्यवाद पूरे डूबल की जनता की तरफ और बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करूँ और ज्यादा शब्द नहीं कर मैं टूटी साहब ने कहूँ कि आपके बीच में दो सौ शिक्षा कर्मी देखिए साथियों राजस्थान सरकार ने राजस्थान के जो लाखों कर्मचारी है पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की मांग के लिए वो लंबे समय से संघर्षरत थे। राजस्थान सरकार ने इस बजट में पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करने की घोषणा की है तो इस क्रम में राजस्थान समायोजित शिक्षा कर्मी संघ के जिलाध्यक्ष श्रीमान प्रकाश से बाना है जो यहाँ श्रीमान गहलोत सरकार का आभार ज्ञापित करने के लिए आपके माध्यम से अभिनंदन पत्र दे रहे हैं श्रीमान रामेश्वर जी ढोटी को और श्रीमान मंगलाराम जी गोदारा को। जो ये अभिनंदन पत्र मंगलाराम जी गोदारा का हमारे जो प्रधान प्रतिनिधि हैं श्रीमान केसराराम जी गोदारा वो ये अभिनंदन ग्रहण करें। राजस्थान सरकार ने लाखों कर्मचारियों को पुरानी व्यवस्था पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू करके एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इससे राजस्थान के तमाम कर्मचारी है वो अपनी ये जो लंबी मांग थी जिसके लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया था राजस्थान सरकार ने उनकी इस मांग को पूरा करने पर ये आभार ज्ञापित कर रहे हैं और अब मैं आदरणीय रोटी साहब से अनुरोध करूँ कि वो अपना उद्बोधन आप लोगों के समक्ष रखें। आपने दो सौ लिखे थे मोबाइल सामान्य प्रधान जी केशव जी खुदारा साहब और मंच पर विराजमान सभी हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष जी और मंच पर विराजमान सभी हमारे डायरेक्टर साहब है जिला परिषद और सभी नेतागण विराज में सभी इस इलाके के मेरे किसान भाइयों मेरे बुजुर्गों युवा साथियों और प्यारे बच्चों अभी केसरा राम जी ने प्रधान जी ने जो बात बताई आपको कि आज राजस्थान के अंदर राजस्थान प्रदेश के अंदर यदि किसान सशक्त और मजबूत होगा तभी हमारा प्रदेश उन विकास की ऊंचाइयों पर जा सकता है। और अभी आपने देखा होगा कि हमने राजस्थान की विधानसभा के अंदर एक नया इतिहास रचने का काम किया वो इतिहास है कि राजस्थान की विधानसभा के अंदर हमने 87,000 करोड़ रुपए का अलग से किसान के लिए बजट पेश किया बहुत बड़ी बात है कि उन 87,000 करोड़ रुपए उन्हीं प्रदेश के किसानों का चाहे वो ठेठ ठाणी के अंदर बैठा किसान उसके भी हित का काम जो है 87,000 करोड़ रुपए करें। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज किसान प्रदेश के किसान को जो सही तरीके से बिजली मिलनी चाहिए सही तरीके से उसको अच्छे खाद और बीज मिले सही तरीके से फसल का उचित मूल्य उस किसान को मिले ये व्यवस्था हमने पिछले 3 सालों के अंदर ये व्यवस्था करी आगे आने वाले समय के अंदर हमें प्रदेश के किसान को और सशक्त और मजबूत करने की जरूरत है। मुझे जो जिम्मेवारी दी गई वो जिम्मेवारी दी गई कि गाँव के अंदर जो हमारे फसलें हैं जो किसान हैं जो एग्रो है उस किसान से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज डेवलप करते हैं जो इंडस्ट्री डेवलपमेंट का काम हमें दिया गया तो ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी हमें उस प्रदेश के किसान के हित के लिए जो जिम्मेवारी दी गई मैं पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप सब गवाह हैं मैं इस जिम्मेवारी को आपके पूरे विश्वास पर बिल्कुल खड़ा उतर कर उस जिम्मेवारी का पूरा निर्वाह करने का काम करूँगा ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। आज प्रदेश के किसान की अलग अलग समस्याएं प्रदेश कई भागों में बटा हुआ एक हमारा इलाका जो नहरी इलाके के किसान है जो नहरों में पानी आता है उसका सिंचाई का पानी लगता है नहरों से एक हमारा ये बेल्ट जो है क्योंकि कुओं का बेल्ट है वहाँ ट्यूबवेल है खेतों के अंदर
उसका समुचित बिजली मिले, वो एक सिंचाई चाहे उस कुओं से करता है उसकी समस्याएं अलग है, एक नहर और नदियों से सिंचाई करता है और एक किसान जो है बरसात पर निर्भर रहता है, जो बरसात होती है तब उसके अनाज होता है, नहीं तो फिर जो है अकाल पड़ता है। तो अलग अलग किसानों की, अलग अलग इलाके की अलग अलग समस्याएं। मैं आपसे वादा करता हूँ हम गाँव के बीच में आएंगे, प्रधान जी है, हम हैं, सारे जितने भी हमारे जो जनप्रतिनिधि है, हम गांव की चौपाल के अंदर बैठेंगे और उस किसानों से सीधा संवाद करेंगे, उन किसानों की क्या दिक्कत और समस्या है, उन समस्या और दिक्कतों को हम समय रहते निवारण करना करेंगे, ये मैं आपसे पूरा जो आपको विचार करना चाहता हूँ। आज गाँव के अंदर इंडस्ट्रीज लगे, क्योंकि आपने देखा होगा डूंगरगढ़ के अंदर, गाँव के अंदर तार पट्टी की भी जो फैक्ट्री है, आपके गाँव के अंदर जो है मूंगफली की जो गोटा निकालने की फैक्ट्री है, छोटी मोटी पाइप है जिसकी आप सिंचाई रहा जगह पाइप स्कूल जो शहर जगह है पानी की फैक्ट्री लागू हुई है। मैं आज चाहूँ कि ज्यादा से ज्यादा देखो किसान वो उद्यमी बने, किसान की छोटी मोटी फैक्ट्री हो तब किसान जो है सफल हो सकता है। खेती व्यापार जो है बाहर ज्यादा करता आया खेत तक आया को नहीं, आज तक किसान जो है अभी हालात में ही बैठा है, लेकिन हमें किसान को उद्यमी बनाना है, किसान को कहेंगे हमारे जो युवा साथी हैं उनको व्यापार के अंदर डालना है। सरकार जो है 79,000 करोड़ रुपए का जो बजट हमने रखा है वो सिर्फ भारत के किसानों के लिए है, उन पैसों का सही तरीके से सदुपयोग हो। वो पैसा आज भी पहले भी मिल रहा था लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिल रहा था, लेकिन जो पैसा मिल रहा था वो पैसा किसान को नहीं मिल रहा था, जो बड़े बड़े उद्योगपति बड़े बड़े जो है व्यापारी वो जो है किसानों का हित का पैसा जो है ना वो ठोक देते थे, किसानों के हिस्से नहीं आता था। अब हमने व्यवस्था करी है, हम गाँव के चौपाल में जाएंगे उन किसानों के बीच में बैठ कर और उस किसानों के हित की बात कर और किसान को सीधा उस व्यापार से जोड़ने का काम हम लोग करेंगे, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं। समय काफी हो गया, आज हमने कई जो है बजट के अंदर घोषणाएं करी है, किसान का बजट अलग पेश किया उसमें कई घोषणाएं करी है, क्योंकि आप गाँव में जावा गाँव मैंने आबाद रहा कि व्यवहार आप उसको बहुत मिल गया, खेत में जो बैठ गया ना छोटे मूड मूगले हम बढ़िया गण मतलब हालात की है, हमारा पशु भी हमारा किसान है बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मेरे वास्ते में व्यवस्था करी कि तार पट्टी रोजाना किसान बात करें कभी मैं तार पट्टी का पैसा मिले तो मैं बहुत बड़ा फायदा हो जाए, वो भी मैं बजट में राख दिया कहता है तार पट्टी का पैसा जगह है ये दे, वो भी व्यवस्था में भी बजट में रखी है। अगर कृषि कनेक्शन वाला जगह बिल और कृषि कनेक्शन कनेक्शन हमेशा लपड़ो रहता है कि हमारे 9 साल हो गया, 8 साल हो गया, 7 साल हो गया, नंबर आवे कोई कोई ट्यूबवेल खुदा लिया और कोई आवे नहीं आवे। अब हमने व्यवस्था कर दी, इस बजट के अंदर हमने घोषणा कर दी 31 दिसंबर 2012 और 22 फरवरी 2022 उसके बीच के अंदर जो हमारी फाइलें जो कृषि कनेक्शन के लिए दी हुई है फाइलें जमा की हुई है, हम 2 साल के अंदर 3.5 से 4.5 लाख किसानों का कनेक्शन हम गांव के उस खेत में जाकर करेंगे, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। बहुत बड़ा काम है करियो, 9 साल की 10 साल की प्रेगनेंसी जो है जो 10 साल पहले जिसकी फाइल जमा है उसका भी आज कनेक्शन नहीं हुआ, तो उस कनेक्शन को भी हम आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर आपका कृषि कनेक्शन करेंगे जिसे हमारा किसान जो है मजबूत हो सके। अब कहने को बात है खूब है, आपने देखा होगा सब आप हमारे जो है नई पीढ़ी के जवान सब पढ़े लिखे हैं, उन्होंने बजट को अच्छी तरह से देखा होगा कि बजट के अंदर जिस तरीके से किसान को सबसे ज़्यादा हमने फोकस कर और किसान को ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से मजबूती मिले, किसान को किस तरीके से ज़्यादा फायदा मिले, इस बात को हमने ध्यान में रखकर और इस बजट का जो है बजट हमने पेश किया है। इसलिए साथियों मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर एक जाजम पर बैठ कर कि हमारे गांव का हमारे चौपाल का किस तरीके से मजबूत हो सशक्त हो, किस तरीके से एक ठेठ ढाणी में बैठा हुआ हमारे जो गरीब जो किसान है उसका आंगन हरा भरा करते हो, इसके बारे में सोचकर ये विजन ये हमारा लक्ष्य ये हमारा ध्येय रखकर इस किसान के आंगन को हरा भरा करना है, ये मैं आपको निवेदन करना चाहता हूँ। हमारे युवा साथियों कहना चाहता हूँ कि आज हमारे प्रदेश के अंदर बेरोजगारी का जिस तरीके से बेरोजगारी फैल रही है उसके लिए भी हमने व्यवस्था कर ली है, नौकरियों की जिस तरीके से हम घोषणाएं कर रहे हैं पीछे नौकरियों की हमने 1 लाख के करीब जो नौकरियां भर्ती कर दी, आगे हम आने वाले समय के अंदर 2 साल हमारे पास में बचे हैं करीब 3 लाख नौकरियां जो हमारे युवा साथियों को देने का हम जो हमने उनको विश्वास दिलाया हमने वादा किया है कि आने वाले 2 साल के अंदर हमारे प्रदेश के जो बेरोजगार है उनको रोजगार देने का काम करेंगे और गाँव में फैक्ट्रियाँ ला दी, गाँव में उद्योग धंधा ला दी, सोलर का आपके जो है इधर डूंगरगढ़ के अंदर आने वाले टाइम में जो हमारी मंजिल
उसमें भी सोलर प्लांट लगे। आज प्रदेश जो है देश के अंदर सबसे बड़ा सोलर का हब बनने जा रहा है। आपने देखा होगा अभी 3,00,000 करोड़ रुपए का अनुदान हमने किया, उसमें कहीं 100 गीगावाट से ज्यादा हमारे यहाँ सोलर जो है लगेगा। काम किसान को जो उसका आपको जो किराया मिलेगा, किसान अपना जो है ना वो खेत जो है काम दे सकेगा, किसान किस तरीके से मजबूत हो, इसी बात को सोचकर हमने बजट जो पेश किया। उसके आने वाले समय के अंदर मैं भी आपके बीच में जा चुका हूँ, आप जो मेरे को बताओगे प्रधान जी बेटा है, मैं सारा बेटा हूँ, देखो जे मन बताओ वो काम समय रहते निर्भर पर ये निवेदन साथ ही आज मैं आपने बहुत धन्यवाद देना चाहूँ। आपने इतना मान सम्मान किया, इतना आदर सत्कार किया, इसलिए आपने बहुत बड़ा ऋण मेरे पे जो चढ़ाया है वो ऋण रात और दिन सेवा करके आपको उतारने की कोशिश करूंगा। इसी निवेदन के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, जय तो बड़े महंगे है तो नेता प्रतिपक्ष लाल जी डूंगरगढ़ में पधार है, अब थोड़ी देर बीकानेर जाएंगे।
अब ले उड़ गया। Thank you.